अरंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो वज्जायनम नमो लोये सविशाऊनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानाम देनम जयतु शासनम नमियो निजिनाम वीरम अनंत वर्णानि दंशन साभम वोचामि नियम सारम केवली श्रुद केवली वनिदम नमः समय साराय स्वानिभूत्या चकाशिते शिशु वावाय सर्वे वावान्तरचरे सर्वज्ञ शासंजयवन्तु वर्ते निर्ग्रंथ शासंजयवन्तु वर्ते एवावि अविचिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासंजयवन्तु वर्ते। वज्रबाहु कुमार के मंगलमय वैराग्य का आज द्वितीय दिवस है, उसकी वाचना अपन करने जा रहे हैं। भगवंतों को संतों को ऐसे देखो कि देखने लायक अपना स्वरूप दिखने, अपना स्वरूप दिखने लगे, अपना लक्ष्य दिखने लगे, पर्याय में चलने वाले अपने दोस्त दिखने लगे, भीतर में निर्दोष दिखने लगे। भगवान को देख करके भी, भगवंतों को देख करके भी, संतों को देख करके भी, शास्त्रों की ओर देख करके भी तुझे अपनी ओर देखना नहीं आया है तो तूने देखा ही नहीं। पहले उनकी महिमा आई है और उनकी महिमा आने पर उनकी पर्याय की महिमा आती है और अपने पर्याय का दोष दिखता है। फिर उनकी पर्याय की महिमा आती है तो उनके समान अपना स्वरूप दिखता है। तब पर्याय में चलने वाले दोषों के अभाव का उपाय स्वभाव दिखता है। पहले पर्याय दिखी क्योंकि उनकी निर्मल वितराग परिणति नहीं दिखाई देगी तो बहुमान कैसे आएगा। फिर ये दिखता ही आया कहाँ से और अपना दोष पर्याय का दिखता है वो आया कहाँ से कि भाई पराश्रय का फल है ये, स्वाश्रय का फल है। वज्रबाहु कुमार 217 पर चल रहा है, 16 पर आदरणीय बड़े पंडित जी साहब द्वारा विरचित ये मांगलिक वज्रबाहु कुमार का वैराग्य है। एक समय का पापी दूसरे समय में परमात्मा बन जाता है, परिणाम देख मात्र देखने लायक नहीं है। ये सब हमको ये वैराग्य सिखा रहा है। बिना बुलाए ससुराल में साले के साथ में जा रहे थे और रास्ते में दिगंबर मुनिराज के मंगल दर्शन हुए हैं वसंत गिरी पर्वत पर। दर्शन करने के बाद में मुनिराज को देखने के बाद क्या सोचने लगे हैं, क्या विचार चलने लगा। अरे ऐसा देखो कि वसंत गिरी देखने गए थे और क्या संस्कार भी मांगलिक थे कि वसंत गिरी को देखते देखते वसंत गिरी को भूल गए और लहराता वितरागता का वसंत दिखने लगा। ये कोई भीतर संस्कार भी थे ना, तभी तो दिखाया, नहीं तो ऐसा एकदम तीव्रता वाला जीव तो संस्कार भी थे, काल लब्धि भी आ गई थी, देख रहे थे हैं? और देखते हुए क्या देखने लगे। दनी दन श्री मुनि जो नहीं विषयों से ठगाए परिग्रह तृष्णा रूपी नागिन से जो नहीं डसाए जो वासनाओं की छाया से भी अति दूर है
निर्मोही है दुष्कार में जीतने में सूर। क्या कहते हैं? धन्य मुनिराज, धन्य मुनिराज। देखते हुए क्या देख रहे हैं? धन्य विषयों से ठगाए नहीं गए। तू समझता है कि मैं विषयों को भोग रहा हूं। ज्ञानी कहते हैं विषय को तू नहीं भोगता, विषय तुझे ही भोग लेते हैं। धिक्कार अरे इन भोगों को जो हमें भोगते रहते हैं। ये भोग आत्मा के सुख को हर समय रोकते रहते हैं। ये भोग आत्मा के सुख को दीमक बन कर खा जाते हैं। हे प्रभु इनसे निवृत्ति हो, हम यही भावना पाते हैं। करंट को तूने नहीं भोगा, करंट ने तुझे भोग लिया। करंट भोग रहा है, बोलो करंट को वो भोग रहा है कि करंट उसे उसे भोग रहा है? ऐसे जो पंच इंद्रिय के विषयों में तेरा चिपक पना है, तू समझता है मैं भोगों को भोग रहा हूं। भोगों को तूने नहीं भोगा, भोगों ने तुझे भोग लिया। और बल लगाकर पुरुषार्थ करके तेरा बल लगता है तो उसको छोड़ दे, अन्यथा सूर्य एकाध ना एकाध छूट ही जाएगा घंटा दो घंटा चार घंटा में। क्यों? करंट छोड़ता है। क्यों भैया बोलो? करंट छोड़ता है कि हाँ छोड़ता है, वो भी छोड़ता है। कब छोड़ता है पता है? जब पूरा चूस लेगा। ऐसे ही ये स्त्री पुत्र आदि अगर वो वैरागी शैली लें, ये पांच इंद्री के विषय, ये घर परिकर, तू समझते का दिन जी तुझे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ने वाले, तेरा पूरा चूस लेंगे विषयों को। अरे अंतिम अंतिम तक भी चूसता रहते हैं वो विषय इस जीव को। 90-95 साल की उम्र हो जाती है तब भी कहता है वे तो हमने कछु नहीं देखो, नाती नहीं देखो, पोता नहीं देखो, फला नहीं देखो, आ देखना ये विषय अच्छा, ये ऐसा वो ले आओ। पच नहीं रहा तो भी मांग रहा है मीठा ले आओ, ये करे आओ। और तत्व ज्ञान के बल पर युवक भी है और रसी कर रहे हैं, कहा हमें कोई मिष्टान्न नहीं चाहिए, अंदर का मिष्टान्न चख लिया। तुम ये मत सोचो एक जाए एक आध दिन तो तृप्ति हो जाएगी, कभी तृप्ति होने वाली नहीं है इन विषयों की। आत्मा को देखे बिना ये विषय तो ये तपाने वाले हैं, तृप्त करने वाला जगत में विश्व में एक शुद्ध आत्मा है। ज्ञानी विचार रहे हैं, मुनिराज के दर्शन करते हुए कुमार विचार रहे हैं, धन्य है जी मुनिराज विषयों के द्वारा ठगाए नहीं गए हैं। ठगाना मतलब जो ठगाया जाता है वो अपनों काम भूल जाता है, अपनी वस्तु बइये दे आए, लेने जाए वासे कछु माल और ठग जाए खुदई खुद को ही दिया। ऐसे ही अपना जो उपयोगता समय शक्ति बुद्धि थी वो इन विषयों के द्वारा ठगाई गई। तो लिखते हैं परिग्रह रूपी तृष्णा रूपी नागिन से जो नहीं डसाए। कथा नहीं है इसमें, बहुत वैराग्य बढ़ा है बड़े पंडित जी साहब ने, इसलिए इसका तो शब्द सार्थ करना अनिवार्य होता है। परिग्रह तृष्णा रूपी नागिन से जो नहीं डसाए। परिग्रह रूपी जो परिग्रह की तृष्णा वो नागिन है। परिग्रह की तृष्णा मतलब और आए और आए और आए। साहब कितनी साड़ी है? के 10 है, के 20 है, के 50 नहीं 30 है, 30 है, वो 30 ही कहा तो 60 है 70। मतलब ये तो ये हालत उनकी है जो ने कहा धर्म की रुचि धर्म भावना रखत, 30 ही तो है, और कितनी चाहिए भैया? और 30 है या 30 कोई प्रमाण ना हो 300 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पाप तो उसका लग रहा है, मैंने वो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। कृष्णा रूपी नागिन कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और पैसा और पैसा और वो और तब तक करता रहेगा जब तक चैतन्य प्रभु नहीं मिलेगा। भाई ये कभी शांत होने वाली नहीं है। परिग्रह कृष्णा रूपी नागिन से जो नहीं डसाएगा ये मुनिराज धन्य है। कौन देख रहा था मुनिराज को?
वज्र बाहू अपने तो नहीं देखना तुम्हें ही देख रहे थे, अपने तो देखना नहीं। वे कह रहे हैं परिग्रह कृष्णा, वे सोच रहे हैं, अपने कुछ नहीं सोच रहे। जो वासनाओं की छाया से भी अति दूर है, निर्मोही है दुष्कर्म जीतने में सूर है। ऐसा वैराग्य है कि श्राप का चार विराजमान है ये भी इसमें है, और नियम सात विराजमान ये भी इसमें, दोनों है। जो वासना, वासना तो दूर छोड़ो, वासना की छाया से भी अति दूर है, निर्मोही है, कैसे है, निर्मोही है, इसलिए दुष्ट कर्मों को जीतने में सूरवीर है। बंधन तो दूर बंधन की शंका जिन्हें नहीं, दर्पण समय निकलंक जीवन देखो तो सही। बंधन तो दूर बंधन तो दूर बंधन की शंका जिन्हें नहीं, भव्य का विदन करने वाले इन भगवान के प्रति जैसी भक्ति है, भव्य का वेदन करने वाले भगवान के प्रति जिन्हें भक्ति नहीं है, वे संसार रूपी समुद्र के मध्य रहने वाले मगरमच्छ के मुख में रोज प्रसंग भव्य का वेदन करने वाले, मतलब भगवान मिल गया तो डर ही मिट जाता है, संसार का डर ही नहीं रहा है, भव का वह। ऐसे ही बंधन का डर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, बंधन तो दूर बंधन की शंका जिन्हें नहीं, कि बंधन का कारण तो मिथ्यात रागादि भाव है, तो मिथ्यात तो उनको नसी गया और राग भी अत्यंत मंद पड़ गया, बंधन होगा कहां से, समझ में आया, शंका कसायों में बैठा है तो बंधन होगा ही। जिन्हें वंदना करना हो वे बोलो कसाय ना करें, तो पंडित जी साहब ने टोडरमल जी ने मुख्यमंत्री प्रकाश में क्या लिखा, जिन्हें वंदना करना हो वे कसाय ना करें, और जिन्हें कसाय ना करना हो, अब आगे बोलो नेका याद हो तो, वे पर द्रव्य में पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना करें। जिन्हें पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना करना हो वे ज्ञान अभ्यास करें। जब ज्ञान अभ्यास करोगे तो पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी, तो कसाय नहीं होंगी, तो बंद नहीं होगा। इसलिए ज्ञान अभ्यास क्या करो कि प्रत्येक समय भाई साहब वीरेंद्र भाई साहब मैं ज्ञान में परमेश्वर हूं ऐसा बीतते रहना। इसलिए मनोराज है कैसे, दर्पण समय है निकलंक जीवन देखो तो सही, जिनकी शरण से भाव्य पावे से उपत दुख सुखदाई, दुख में पर्या दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई नहीं देख। अब अपनी निंदा, मुनराज का स्वरूप का वर्णन आया, अब अपनी पर्याय, मुनराज की पर्याय देखी, अब अपनी पर्याय देखी, ऐसे मिलान दर्शन संतों के भगवंतों की किया जाते। अब अपनी पर्याय क्या देख रहे हैं, देखे देखे है मेरी परिणति दुर्मोह से बंधी, नहीं देखती नीति अनीति काम में सनी। क्या कह रहे हैं, धिक्कार है मेरी परिणति मनोदया से बंधी, नहीं लिख रहा है उदय कुमार है, क्या नाम आ गया, उदय कुमार से बंधी नहीं लिख रहे, राज से बंधी नहीं लिख रहे, शुभ्री से बंधी नहीं लिख रहा है तुम्हारी परिणति, समझ में आया वीरेंद्र भाई साहब, तो किससे बंधी, दुर्मोह से बंधी है। इतनी जैसे वो पतंग आकाश में चली जाती इतनी दूर, और इतनी दूर चली जाती है वो पतंग कि इतनी बड़ी पतंग भी इतनी सी छोटी सी दिखाई दे, उड़ाने वाला इतना ले जाए बहुत दूर तक, लेकिन तो भी भाई पतंग
न इतनी कोसों दूर हो जाए, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, हो पाती कि नहीं हो पाती, कोसों दूर की पतंग भी उसके हाथ में है, ऐसी तुम खूब मंदिर पहुंच जाते हो, तीर्थों पे पहुंच जाते हो और अपना वो डोर तो मोह को देके बाते हो, शिखर जी के पहाड़ पर पहुंच जाओगे, कितनी दूर वहां पहुंचोगे और वहीं से वो खींचेगा। हाँ, साहब हलो, वहीं से भी हलो होगी तुम्हारी, समझ गया ना, वो भगवान के चरणों में इतने इतना यात्रा करके जाओगे, इतना सत्ता चढ़ के जाओगे, इतना पासनाथ टोक पे पहुंचोगे वीरेंद्र भाई साहब, और वहीं पर भी एक फोन आएगा तो वहीं करोगे हेलो, इसका नाम बंद बंद देखे गए, इसको देखे गए। अरे रे, यहाँ लिखते हैं दिख दिखे है मेरी परनती दुर्मोह से बंधी, किससे बंधी है, कोई दूसरा बांधने वाला नहीं है। भैया राजेंद्र जी, कल एक बैराग्य शुरू किया था, अपनी पत्नी के साथ में बिना बुलाए ससुराल जा रहे थे, साले को अल्लवाने के लिए, तो इतना राग के रह नहीं पाते थे, तो बिना बुलाए ससुराल जा रहे थे और रास्ते में मुनिराज मिल गए, और उनको देख करके जो अंदर में परिणति चलने लगी, मुनिराज को संतों को देख करके, अगर तुझे तेरी पर्याय के दोष ना समझ में आए और अपना निर्दोष समझ में ना आए तो तूने दर्शन किए ही नहीं है, तो वो कथा कल शुरू करी थी हमने, तो उसको पूरा कर रहे हैं, है? तो अपनी निंदा कर रहे हैं, इंद्री विष अति क्रूर सच्चे सुख के लुटेरे, 217 नित तड़प तड़प दुख सहते मोही विषयों के प्रेरे। इंद्री के विषय कहते हैं अति क्रूर, क्या करने वाले हैं, और अपन उनको इकट्ठे करते हैं, क्रूर नहीं अति क्रूर, भगवंतों से संतों से तेरी स्वभाव से इन सबसे दूर कर दे, अति क्रूर है, बहुत दुष्ट आदमी है लोक में, कहते अति क्रूर है, निर्दयी है, ये पांच इंद्री के विषयों में रमने जा रहा, अति क्रूर है नी, तेरा आनंद लुटा देंगे, तेरी विशुद्धि बर्बाद कर देंगे, बहुत बच के रहना। जैसे जिसको अपना लौकिक जीवन प्रिय लगता है वह दुष्ट लोगों से दूर रहता है, ऐसे यदि तुझे अपना आत्मा प्रिय लगता हो तो इंद्रिय के विषयों से दूर रहना, क्योंकि ये अति क्रूर विषय है, लूट लेंगे, ऊंचा ऊंचा विषय भी पहुंच गए, लेकिन बीच भीतर में जो विषयों की चाल पड़ी रही थी वो नहीं छूट पाई। तो लिखते हैं, हो करे अचेत पस नित तड़प तड़प दुख सहते मोही विषयों के प्रेरे, एक एक लेने में वैराग्य है, तड़प तड़प करके दुख सहते हैं इन विषयों में लग करके। आगे क्या लिखते हैं, मेरे से भूल हो गई थी बोले, हैं? अब अपने वैराग्य को जागृत करते हैं, ओ करे अचेत पसे गया था चक्कर में इनके, ओम कृतार्थ में अभी धनी मुनि दशा धर के, कहा तो पत्नी के बिना नहीं रह पा रहे थे, एक और परिणाम, और कहा क्या सोचने लगे, हैं? बिना लुवा बिलाई ससुराल जा रहे हैं, हम भी चलेंगे संगे, और कहा राज के दर्शन करके सोचने लगे, अचेत होकर चक्कर में पड़ गया था इनके में, लेकिन अब तो मैं भी दीक्षा लेता हूं, ऐसे भाव अंदर में देखते 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 बस कुछ बोल नहीं रहे, अपने बोलने की बहुत पड़ती है, चिंतन नहीं चलता अपना, तो अपने तो कोस रहता है ना, वो बोलना है अपन जा करके प्रभु पति तो पावन बोलना है, सफल जन्म बोलना है, या जो भी अपना निश्चित रहे, चिंतन कभी नहीं चलाते, और वे बोल नहीं रहे, हाँ खड़े हैं ऐसे ही, और उनके पास में उनका साले खड़े हैं उदय कुमार, देख रहे क्या देख रहे जी, छह व्यक्ति का महाराज जी को देखेगा, है जी जी को 2 दिन के लिए तो छोड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे देख रहे हैं, बहुत देर तक देखते रहे भी देख रहे, टक टक ही लगा रहे ऐसे, और वो भी देख रहा है, अब वो आश्चर्य कर रहा है कि महाराज को देख रहा है ना, और देखते देखते ये बोल, अब उनने तो सोचा ही नहीं मैं दीक्षा ले लूं, पावन हुआ मुनि दर्श से विरासता आई दुख में परया ए दृष्टि अब तो छोड़ो रे भा, अब वो देख रहे थे वो दृश्य हो गया, आगे आगे क्या होता है, साला था उदय कुमार
कुछ क्षण देख तारा बोला क्या देखो दीक्षा ले लो हंसता सा हुआ। राजेंद्र भैया क्या बोल रहा, देख कर आयो, अरे साहब दीक्षा ले लो, दीक्षा दीक्षा ले लो, दिया जी दीक्षा ले लो, हंसने लगा और देख करके। और वो क्या बोले, बोले से वज्र बाबू मन का बाबू कह दिया, मुनि दर्शन से मुनि दीक्षा का ही भाव है। भैया तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, आज तो मुनिराज के दर्शन करके अंदर में ये ही भाव आ रहा है कि दीक्षा ले लूं। तो अब उनकी उनकी दृष्टि तो नजर चल रही थी उनके एक समय के परिणाम पर कि जे का कहेंगे, दो बार मना कर दिया अब नहीं भेज रहे, और तीसरी बार कह लगे कि भैया हम तुम्हारे संगे नहीं चल सके, हम तो लेके जाएंगे, हम तुम लेके भले जाओ उनको, लेकिन हम तुम्हारे संगे ही चलेंगे। बोले ऐसा व्यक्ति क्या तो मजाक कर रहे। और वे क्या बोले हैं कि भैया बात तो तुमने हमारे मन की कह रही, मन तो यही हो रहा है कि आप मुनिराज के दर्शन करके ऐसा लग रहा मुनिराज ही बन जाए। साला बोला भाई पीछे 217 पर मिल गया, साला बोला तुम ले लो मैं भी संग लूं दीक्षा, जीजा जी यूं ही खेल नहीं है पावन मुनि दीक्षा, आप संग ले अब दीक्षा ले लो, मैं भी आपके संगे ले लूंगा, अब ऐसी बजाक बजाक चल रही है, तो ले लो हम भी संगे ले लगे दीक्षा, ऐसी क्या बात करते। वो कहने लगे मैं मन तो ऐसा ही हो रहा है, ससुर पागल बना रहे। बोले कि तुम दीक्षा ले लो हम भी तुम्हारे संगे ही ले लेंगे। तो आओ बोले क्या समझते हो, खेल नहीं है मुनि दीक्षा है। तो भी अगर ज्ञानी है तो वे क्या अपनी भाषा में क्या बोलने वाले हैं, अरे अज्ञानी को संयम जेल सा है और ज्ञानी के लिए संयम खेल सा है। जो अज्ञानी समझता तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जिसने चैतन्य का रस जाना है, जिसने चैतन्य को जाना है उसके लिए सब खेल सा है। और यहाँ काल्लभ आदि की मुख्यता से कहती है, बोले कुमार खेल ही है लब्धि जब आई, दुख में परे आए दृष्टि अब तो छोड़ो, जब तक मेरा भला समय नहीं आया था, जब तक मेरा स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ नहीं हुआ, जब तक मुझे ऐसे संतों के दर्शन नहीं हुए थे, जब तक मेरे प्रचुर स्व संवेदन का होने का वो नहीं आया था, तब तक ही कठिन थी, अब तो सरल हो गई, पांचों संवाय मेरे मिल गए। समझ में आया, काल लब्धि आ गई है, ऐसे संतों का योग बन गया है निमित्त। समझ में, मेरा स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ जाग रहा है, बातें नहीं कर रहा हूँ, पुरुषार्थ आ गया, जागूंगा, ये झूठी ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा हूँ। और समय आ गया है भवितव्य, वही और कौन सा रह गया है, स्वभाव काल लब्धि भवितव्य होनार, और बोलो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ हो गया ना। तो स्वभाव है मुझे दिख रहा है, पुरुषार्थ करूंगा, काल लब्धि आएगी, निमित्त तो बन ही गए, काम होगा ना। गुरुदेव श्री लिया था ना, काल और अकाल का, अकाल काल अकाल का अर्थ है पांचों संवाय से कार्य होता है, सुबह सिद्धि किया था। तो कह रहे कोई बात नहीं है, जब तक नहीं आई तब तक नहीं आई, आज तो दिन आ गए, मेरा समय आ गया, काल लब्धि आ गई, मेरा प्रभु अपने चैतन्य सन्मुख पुरुषार्थ दिख रहा है, अरे मुनिराज की पर्याय में आनंद दिख रहा है, तो मुझे अपना स्वभाव भी आनंद में दिख रहा है। पर्याय का एक समय का दोष है वो भी मुझे खबर आ रही है, लेकिन अब मैं उस स्वभाव को देखकर कार्य कर सकता हूँ। और तुम अपनी जानो
मैं तो देखो दीक्षा लेता हूँ। हो गया मेरे कुछ नहीं, महाराज जी तो अभी बोले ही नहीं। देखो आराधकों की मुद्रा को देख करके भी निर्गंध सा ले लेते, पूरे मोक्ष मार्ग में लग जाते। इसलिए जीवन से की गई प्रभावना जीवंत होती है, मां शब्दों से नहीं। आप जीवन से प्रेरित होता है, जो जीवन से दिखाते हैं वे सच्चा जीवंत तत्व ज्ञान दिखाते। जीवन से ही जीवंत तत्व ज्ञान दिखाया जाता है। क्या बोलते हैं, देखो तुम्हें अपनी जानो मैं तो दीक्षा लेता हूँ, अब तक के भोगों का निर्मल ओ प्रायश्चित लेता हूँ। तुम जानो अपनी, हम तो चले जे वो अब तक के भोगों का निर्मल हो प्रायश्चित लेता हूँ। तुम्हें दीक्षा लेना है नहीं लेना है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, व्यंग चल रहा है कि वास्तविकता चल रही है। बैरागी ये नहीं कहा करता है, अच्छा लो मैं अभी देख के दिखा रहा हूं तुम भी लेना पड़ेगा, ये कोई बात ही नहीं थी, वो तो बैराग्य था वास्तविक था। बोले भाई तुम जानो तुम्हारी, हमें कोई हास या व्यंग का उत्तर व्यंग से नहीं दे रहे, आपको जैसा लगता हो, आप हसी में कह रहे हो कि वास्तविक कह रहे हो, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो ले शिक्षा लेता हूं और आप जो कह रहे हो ऐसे ऐसे भोग और ऐसा रागी, अब तक जो भी मैंने काम करे उन सब का प्रायश्चित अपने स्वभाव सन्मुख निर्मल चैतन्य भाव के सन्मुख होकर के लेता हूं। बोला और चल दिया पैर के कपड़े और तैयार किसनोच। अब वो पैर पकड़ लियो मेरे उदय कुमार ने, साला जो था। बोला साला क्या करते मैं तो हास में का, बोले कुमार हास में उपकार ही हुआ। क्या बोल रहे, मेरा तो तुम्हारी हसी में उपकार ही हो गया, क्यों मैं थोड़ा सा मौन भी होता सोचता तो तुमने और वैराग्य जागृत कर दिया, तुम्हारी हंसी तो मेरे वैराग्य को और बढ़ाने में निमित्त बन गई, इसलिए आप तो मेरे उपकारी हो। वो पैर पकड़ रहा है कि अरे साहब क्या करते हो, मैं तो हंसी हंसी में कह रहा था आप तो वास्तव नहीं। आगे सुनो, बोले कुमार आस में उपकार ही हुआ, यदि आस में भी ओ सदी का पानी जो करे निरोग होता से उसमें विघ्न क्या करे, करिना चमा आनंद त्यो शुभ घड़ी आई दुख में पर आए दृष्टि अब तो। क्या कह रहे हैं सुनो, हास्य हास्य में लिया गई औषधि भी रोग निवारण का कारण होती है, पद्म पुराण जी के मूल शब्द हैं। हास्य में पिया गया जहर भी मरण का कारण होता है, हास्य हास्य में अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा। सुरेश भाई साहब हैं, हास्य हास्य में अमृत का पान कर ले तो अमर हो जाएगा, हास्य उसमें क्या बाधक बनेगा। ध्यान रखना, कभी नहीं सोचना चाहिए हम तो हंसी कर रहे थे, हंसी में कहीं बिराधना मत कर देना, हंसी बिराधना हंसी नहीं देखेगी। इसलिए बोले तुम्हारे हाथ में मेरा तो उपकार हो गया, अतः मैं तो अपना कार्य करता हूं, तुम मुझे क्षमा करना और मैं तो दिगंबरी दीक्षा को धारण करता। करिना क्षमा आनंदते ओ, क्या कह रहे, आनंदित होकर क्षमा करो। कल श्रद्धे बड़े पंडित जी साहब ने
आदरणीय अपने ज्ञानचंद पंडित साहब समाधि की भावना से बैठे हैं। आज तो ऐसा का एक वस्त्री उन्होंने रख लिया, अब प्रकार का सब वाम समाचार आपने सुने होंगे। बता कई बात कही, तुम हमें क्षमा करना, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। बोले सबसे क्षमा मांगो, अर्थात क्या, कोई हमें पर्याय दृष्टि से ना देखे, सुनना उसमें, और हम भी किसी को पर्याय दृष्टि से ना देखें। हमें अब कोई पिता पुत्र पति नाना प्रकार के संबंध इन रूप ना देखे, और हम भी किसी को इस रूप में नहीं दे, कोई हमसे राग ना करे, क्षमाकार से भी है। हम भी किसी से, हम दूसरों से राग छोड़ते, तुम भी हमसे राग नहीं करो, अर्थात तुम हमें जैन श्रावक ही है, नहीं तो खत्म वाली स्थिति में समाचार मिलते हैं। जिनकी पहले से पता है कि अब हम जा रहे हैं, कैसे आनंद के साथ जाता है, जीवन भर की साधना का फल होता है समाधि। समाधि साधना रूपी कलश है, मंदिर का शिखर का कलश है, कलश है, अंत में कलश है, ऐसा ऐसा कहा है, बहुत अद्भुत है। जिसकी नियम से ही उत्तम गति होने वाली है, उसकी ही समाधि होती है। अंतिम समय में जो सचेत होकर भगवंतों के नाम का स्मरण करते हुए अपने स्वरूप को भाते हुए देह छोड़े होश आवास के साथ हैं। अभी किसी ने पूछा कि पंडित जी की उम्र क्या हो गई है, तो कोई बोला 84 साल। अरे नहीं, अनादि अनंत, उस स्थिति में भी ऐसी धुन के साथ, नहीं अनादि अनंत, अनादि अनंत है भाई, अनादि अनंत की बात करो, अभी भगवान आत्मा है सब, का पंडित जी का ये भगवान आत्मा है। अरे ये मतलब एक शब्द को मैं प्रवचन कर देना अलग बात है, और ये अपने ऊपर जीवन जीना ये प्रेरणा देती है। वो उनके जो हजारों प्रवचन थे वो उतना प्रेरणा नहीं देंगे जितना ये प्रेरणा दे रहा है। ये बात तो अपन ने एक बार पहली बार सुनी क्या उनके मुख से, वो तो जिंदगी भर धुन लगाई, लेकिन जो इस स्थिति में निकल रहा है, अनादि अनंत है भगवान आत्मा है, इसका नाम है तत्व की जीवन तपन। समझ गए ना, मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये जो आपका जो तत्व है यही जीवन में काम में आने वाला है। और नहीं तो अभी क्या करते, वो ले चलो भैया मुंबई ले चलो, चलो कलकत्ता ले चलो, चलो दिल्ली ले चलो, चलो अमेरिका ले चलो, कहीं नहीं ले जाना, सब हटाओ हमारे लिए। हमें तो बस आत्मा की भावना चाहिए, ये जीव का जो संस्कार होता है वो काम में आता है। तो क्या लिखते हैं, हम जा रहे हैं, कुमार बोले हम तो जा रहे हैं, हैं तुम हमें क्षमा करना। मुनिराज के चरणों में जाकर शीश नवाया, आज्ञा लेकर सब परिग्रह का त्याग कराया। ऐसे ही तुम भगवान को ऐसे देखो कि अगले भव में सीधे जाकर शीश नवा कर दीक्षा ले लो। जैसे वे तब तक अभी महाराज जी बोले भी नहीं, महाराज जी का कभी उपदेश भाव नहीं है, सीधे बोले और देखे तो बोले महाराज जी दीक्षा, कछु शंका नहीं, महाराज जी अब राग कैसे टूटेगा, हमें राग तो बहुत था महाराज, लेकिन अब भाव हमें दीक्षा की आ रहा है, हमें का निर्णय कर सीधा हमें दीक्षा। ऐसी भगवंतों को, इन भगवंतों को इतना देख के जाओ इतना कि अगले भव में जब भगवान मिलेंगे तो सीधी दीक्षा, यहाँ से पूरा काम कर लो, सम्यक्त का ज्ञान का विशुद्धि का जितना कार्य करना है वो सब कर लो। मुनराज को मौन से तब तक देखकर खूब वैराग उड़ाया, खूब वैराग उड़ाया, बोले तो क्या बोले, महाराज दीक्षा। है क्या अद्भुत है, वस्त्राभूषण फेंके थे अति निसार जान कर, लोचे ते केस पाप में विकार जान। वस्त्राभूषण फेंक दिए अत्यंत निस्सार जानकर, और केस लुंचन कर लिया। मनोदया रोने लगी, रोकने लगी, लेकिन अब रुकने वाले नहीं है, और दीक्षा को धारण कर लिया। अति निस्सार जानकर, रस नहीं आया, केस लोच कर रहे भी कुमार, ऐसे लग रहे मानो काले काले कर्मों को ही उखाड़ कर फेंक रहे हैं। बस संसारे असार सारे वशिष्ठ में समय सार, चले दिए वज्र बाहु कुमार,
ग्रंथों सो दास मांग मांगते हुए नासी थी तीन चौकड़ी अनुग्रीत थे हुए। तीन कसार चौकड़ी का अभाव हुआ, प्रचुर स्वय संवेदन चलने लगा। एक समय पहले प्रसव बहन कल कहाँ छोड़ के गए थे, संगे जा रहे थे बड़े तीव्र रागी, और अब वसंत गृह पर जब रुके थे तब कैसे रुके थे, और वसंत गृह पर रुके तो कैसे रुके, कर दी तीन कसा चौकड़ी का अभाव और प्रचुर स्व संवेदन जल्द होने वर्तने लगा। साले अवे कुमार देखते हुए अब तो वो भी दीक्षा की तैयारी करने लगे, और तत्काल उनने दीक्षा ली, उनके साथ 25 और कुमार यानी 26 कुमार। देखते हुए 26 राजकुमार सो आई, पर दुख में पर आए दृष्टि अब तो यूं देखा सास मनोदया भी आनंदित होकर। उन पति का साथ देखा, भाइयों का साथ देखा, बोले हम काय करो, प्रसन्न हुई आनंदित हुई, और ओ गई यारी का साथ तुम्हें जग बंद को सजे। वही आरिकाओं का संग था दूर, वहां जाकर के आरिका दीक्षा को ग्रहण कर लेती हैं। ये जान कर समाचार दादा सोचने लगे, धनी धनी जमाई पोत्र पोत्री मुक्ति पतो बड़े। समाचार मिले हैं, पहले तो बड़ा दुख हो रहा था दादा को, राजा थे वहां के पिता को, कि इसने तो पूरी डुबा दी हमारी, का डुबा दी, बिना बुलाए ससुराल चला गया, वही बिटा दिया भाई। अब का कहने लगे, का जी राज्य करेंगे, का परंपरा चलाएंगे आगे। तब तक तो समाचार मिले, साथ जो गए थे लौट के आए, क्यों क्या हुआ, पहुंच गया चला गया, वो कब आएंगे, अब तो और का है महाराज, बहुत वैसा। बोले क्या हो गया, दीक्षा ले, दीक्षा है सुनते ही आश्चर्य, और वे ही नहीं, पुत्री ने, पुत्र वधु ने भी दीक्षा ले ली, और वो जो थे उनने 26 राजकुमार दीक्षित हो गए। ओहो, सोचने लगे बेटा पोता दीक्षा लेके जा रहा है और हम राज्य गद्दी पे बैठे हैं, धिक्कार है। पुत्र से कहा तो पुत्र बोले पिताजी हम भी नहीं ले रहे, हम नहीं संभाल रहे, हम भी जान रहे। सो पिता और दादा और पिता, हाँ पिता और पुत्र, मन दादा थे ना उनके, वज्रबाहु कुमार के दादा और उनके पिताजी, और ये तो मुख्य नाम आए, पर उनके साथ में जब चल रहे और प्रसंग बना, एक नहीं बिना बोले प्रभाव ना कर देते। समझ में आया, हमें अगर किसी को धर्म मार्ग में लगाना है तो खुद लग जाओ। अगर हम सुबह सो रहे हैं रजाई ओढ़ करके और कह रहे हैं कि तुम चले जाओ भैया प्रवचन में, चले जाओ गुजर में, चले जाओ, तो कब प्रेरणा दोगे तुम, तब तुम खुद चलोगे तभी तो दूसरे ए भैया चले जाओ। तो ऐसे ही खुद तो प्राप्त पर्याय में तन्मय है, वो दूसरों को उपदेश दे रहे, तुम गायक हो, तुम परमात्मा हो, ठगई कर रहे हो आचार्य, तो ऐसा कहते अपने साथ ठग रहे। दूसरे कहने लगेंगे बहुत अच्छा धर्म उपदेश है, बहुत अच्छा उपदेश है, लेकिन भैया बहुत अच्छा है तो ठीक है अपने लिए भी दे लिया करो। बर्णी जी ने अंत में विद्वान जब इकट्ठे हो गए, उनका समाधि का काल था हैं, इसरी में कहां पर समाधि हुई थी, तब सब विद्वान बड़े बड़े विद्वान जब आखिरी स्थिति पति चली, तो बोले साहब दो मिनट दो शब्द हमारे लिए भी उपदेश मिल जाए। अपने बड़े बड़े फूलचंद जी वगैरह जी जो भी विद्वान थे उस समय के बड़े बड़े विद्वान पहुंच गए, दो शब्द हमें प्रवचन, हमें कुछ उपदेश दो। तो वे बोले भैया तुम लोग विद्वान हो, हम तुम्हें क्या उपदेश दें, बस इतना ही उपदेश है कि जो तुम जनता को उपदेश देते हो अकेले में बैठ के अपने को दे लिया कर बस इतना ही उपदेश है कि जो तुम सबको उपदेश देते हो, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, भगवान आत्मा आनंद में, आज का उपदेश को याद कर, वो अपने को एकांत में बैठ के दे लेना,
नहीं तो अपने साथ ठगई ना हो जाए। तो जब वो दिखा तो अनेक राजा गण भी दीक्षित हो गए और क्या दर करी दिगंबर रूप अविनश्वर सिद्धि पाई दुख में परया दृष्टि अब तो छोड़ो। दीक्षित हो गए दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। अब ये तीन जो छंद बचे हैं ये बड़े गहरे छंद हैं, इनमें पूरी कथा को समेटा है, मतलब सार परोस रहे हैं। कथा तो यहाँ तक पूरी हो गई है, अब एक छंद दो छंद और तीन छंद बिना कथा के सुन करें क्या कह रहे हैं, पूरी कथा का सार इन तीन छंदों में। यो परिणामों की लत न्यारी गति चेतो रे भाई पर्याय मात्र निज पर को नहीं देखो रे भाई। क्या शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी परिणामों की गति देख करके क्या करो चेत जाओ, ना तो अपने को परिणाम मात्र देखो पर्याय मात्र देखो ना दूसरे को पर्याय मात्र देखो, जे क्या नियम लेंगे जे क्या स्वाध्याय में आएंगे ये क्या करेंगे, अरे आज क्या ऐसी स्थिति वाला दूसरा उत्तम गति को पा जाए दूसरे दिन। क्या लिख रहे हैं, पर्याय मात्र निज पर को नहीं देखो रे परिणाम आश्रित अभिमान अथवा दीनता तजो पर्यायो से निरपेक्ष ध्रुव चिदया तुमा। मैंने कथा समेटने का कारण ये था कि 10 मिनट इसकी बात ना हो जाए अच्छे से। परिणाम आश्रित अभिमान, बहुत अच्छा परिणाम चल रहा है मेरा तो सब, इतना विशुद्धि बनती है ऐसा अंदर में लगता है, अभिमान मत करो साहब पहले तो इतने अच्छे परिणाम थे अब न जाने क्या होगा, परिणाम लगता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं है, चित्त लगता ही नहीं है, दीनता मतलब त्रिकाली क्या हो। तो फिर क्या करो परिणाम पर नजर बंद करो और क्या करो, नीचे प्रेरणा दे रहे पर्यायों से निरपेक्ष ध्रुव चिद आत्मा बजो। एक समय के परिणाम मात्र को मनीष भैया किसको देखो, पर्यायों से निरपेक्ष ध्रुव भगवान आत्मा सकल पर्यायों से न्यारा परमेश्वर है, परमानंद की खान है, परमात्मा है, पूर्ण है, प्रभु है। कहानी वालों के लिए तो कहानी पूरी हो गई है, ये तो नियम सार है। कह रहे हैं ये तू पर्याय मात्र नहीं है, नौ कर्म द्रव कर्म भाव कर्म तू नहीं, अरे भगवान कहते हैं छायक भाव भी तेरा स्वभाव, तिरका स्वभाव तो है, स्वभाव तो है, उदिक भाव स्वभाव नहीं है, छायक भाव तो स्वभाव है, पर छायक भाव भी तेरा त्रिकाली स्वरूप नहीं है, वो भी क्षण क्षण में बदलने वाला है। बोले क्या कह रहे हैं, मात्र परिणाम मात्र पर नजर मत कर, पर्यायों से निरपेक्ष ध्रुव चिद आत्मा बजो। नहीं सोचो इतने दिन का मोह कैसे छूटेगा, स्वैलाच के पुरुषार्थ से एक क्षण में मिटेगा। क्या कह रहे हैं, कैसे छूटेगा कैसे छूटेगा, अब एक थोड़ी कब को है, इतने दिन को 20 साल से अंधेरा है कैसे मिटेगा, बल्ब जलाएंगे तो कैसे मिटेगा, 20 साल का है ये तो आपका तो कल ही हुआ था और वहां उस कमरे में 20 साल से कभी प्रकाश गए, कितने दिन मिटेगा अजित भैया जी, एक समय में ऐसे इतना मोह इतना मोह इतना मोह, अरे कुछ मोह वो मेरा नहीं, मैं तो निर्मोह चेतगन चैतन्य परमात्मा हूँ, एक बार धुन लगा ये मोह मिटेगा ही मिटेगा। सुबह कहा था स्वभाव मिटता नहीं और विभाव टिकता टिकेगा नहीं, स्वभाव मिटेगा नहीं और विभाव टिकेगा नहीं, ये जीवन के लिए सूत्र है आचार्यों के, समझ गया ना। सोलह के पुरुषार्थ से एक क्षण में मिटेगा, लोकोराण के पुरुषों से ये शिक्षा मंगलदायी दुख में पर्याय। एक एक शिक्षा मिली, परिणाम मात्र हम अपने को और पर को
नहीं देखेंगे इस कथा से आगे की शिक्षा। यदि जग में सार होता तो फिर वे कैसे तजते, आराधना में दुख होता तो वे क्यों फिर भजते। अगर सुख होता तो वे राज वैभव सब छोड़ गए, अभी दीक्षा लई है ये सब छोड़ गए, और आराधना में दुख होता तो वे काय को आत्मा की आराधना करते। तुम्हें तो लगता है पुत्र में, स्त्री में, दुकान में होता हूँ, कुटुंब में, परिग्रह में, आम है सुख है, ऐसी सड़ी हुई तिनके के समान छोड़ के भी जा रहे हैं तो शिक्षा लो। ये कहते हैं छोड़ो विपरीत कल्पना सम्यक विचार से, ध्याओ ध्याओ उत्तम नहीं कुछ समय सार से। भाई विपरीत कल्पनाओं को छोड़ो है? अरे समय सार से मतलब भगवान आत्मा से। सुबह कलश चलता है ना, सकल विवाह होने पर भी ये विवाह होने पर भी वे विवाह तुझे छूते नहीं है। ऐसा विवाह वाला पुरुष भी परम गुरु के द्वारा बताए हुए इस समय सार को भजता है, वो अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करता है। समझे भाव है कलश का, मूल कलश वही देखना। क्या लिखते हैं, कुछ उसके द्याओ द्याओ उत्तम नहीं कुछ समय सार से, ये पुण्य का वैभव नहीं, ये पुण्य का वैभव नहीं है भोग त्याज रे, निरपेक्षो पर से निज का निज निज में, निरपेक्षो पर से निज में निज का राज रे। पुण्य का वैभव भोग नहीं त्याज, क्या है त्याज है। और अगर चरणानी पद्धति में एक और आता है, त्याग नहीं कर पा रहे हो तब तक दान परोपकार आदि कार्यों में लगा। पुण्य का वैभव पुण्य के लिए समर्पित करो और अपना वैभव अपने लिए समर्पित करो, ज्ञान दर्शन समझ में। पात्र दान से जीवन की सार्थकता तत्व ज्ञान में है, वो धन की सार्थकता पात्र दान में है, ऐसा आता है। तो कह लेते पुण्य का वैभव भोगने योग्य नहीं है, कैसा है त्याज्य है, निरपेक्ष हो निज में पर, निरपेक्ष हो पर से निज में निज का राज रे, तुम राजा हो काय के अपने राजा बनो। स्वाभाविक ज्ञानानंद में निज दृष्टि सुखदाई, दुख में पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे, उत्तम अवसर में कार्य उत्तम हितकारी करना। अंत पहले अभिमान छोड़ो, जग जब महापुरुषों को देख के जगत का असार जान के छोड़ो, अब क्या करना तुमको, उत्तम अवसर में देव साध गुरु मिले, समय सार मिला, ऐसा तत्व मिला, क्या कह रहे अब, उत्तम अवसर में कार्य उत्तम हित का ही करना। भगवान आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप जी उत्तम कार्य है जी इस अवसर में करना है। दुर्लभ से दुर्लभ बोधी की आराधना, रत्नात्रय की आराधना दुर्लभ से दुर्लभ है उसकी करना भाई। फसना प्रलोभन में नहीं बेबी नहीं लाना, प्रलोभन में फसना नहीं और डरना भी नहीं, जगत क्या कहेगा हम जो स्वाध्याय करने लगेंगे, अबे तुम्हें स्वाध्याय में डर लगता है, जगत क्या कहेगा मंदिर आने लगेंगे, इधर मंदिर आ जाएंगे घूम घूम आएंगे तो न जान लोग का कहेंगे, का कहेंगे जे कहेंगे संसार के लायक नहीं रहे और का कहेंगे अधिक से अधिक और क्या कहेंगे। अब आ ग्रेजुएटी बताओ तो निगोद की ग्रेजुएटी है, जहाँ सत्य नहीं चलता वहां तो निगोद चलता ही है, और क्या कहेंगे। इसीलिए फंसना नहीं लोग देंगे, और प्रलोभन में भी है प्रलोभन में नहीं आना और भय भी नहीं लाना कोई इस मार्ग में बढ़ते हुए। हो करे निसंक निज बल पर शिव मार्ग में आन,
अज्ञान अन अभ्यास से कुछ कष्ट सा दिखता, सद ज्ञान अरुअभ्यास से बसेगी सहजता। पूरा समाधान कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी खुद जीते हैं तब लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिखी उठाकर उतार गई हो कथा। इतना प्रेरणा एक कथा में देना सरल नहीं, पूरे आगम का सार परोस दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं, अगर तुम अभ्यास करोगे तो प्रारंभ में कष्ट सा लगेगा, क्यों? उसका कारण है अज्ञान अनादि का और अनभ्यास, आपका अज्ञान है और कभी इस मार्ग का अभ्यास किया नहीं है। इस तत्व को समझने में ही कठिनाई लगती है, चिंतन में और कठिनाई सी लगती है, मन नहीं लगता, चितवन से तो और ही वैसा लगता है, तो कठिन सा लगता है। दो कारण क्या बताए सुरेश भाई साहब, नंबर एक तो अज्ञान, नंबर दो अनभ्यास। तो ज्ञान अभ्यास करो और अज्ञान को मेटो, और अंदर का अभ्यास करो, बड़ा सरल लगने लगेगा, ये भी आनंद लगने लगेगा आपको, उठने का भाव नहीं आएगा। तो लिख रहे हैं सद ज्ञान अरु अभ्यास से भासेगी सहजता। अब सद ज्ञान करो भैया अजय जी और अभ्यास करो, सब सहजता लगने लगी। इस मार्ग से ही ज्ञानियों ने मुक्ति है पाई, शुरू की लेर निकालो, दुख में पर्याय दृष्टि अब तो, अनंत ज्ञानी इसी मार्ग में विचरण करके मुक्ति की प्राप्ति कर गए हैं, इसलिए अब तुम्हें जो पर्याय 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 का रोना है बंद करो। हैं परिणामों की विचित्रता अति देखो रे भाई, दुख में पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। ये प्रेरणा अपन ने इस कथा से ली।